हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेम सी ऑट के बारे में देखे थे। सी ऑट आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है, सेम इनपुट डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है। और सेम और सी ऑट कौन सा हेडर फाइल के अंदर होता है? iostream.h के अंदर। अब हम लोग देखने वाले हैं गेट सी एच फंक्शन का यूज क्या है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में गेट सी एच, सब स्मॉल लेटर में लिखे गेट सी एच फंक्शन। फंक्शन के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, गेट सी एच फंक्शन। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं कंप्यूटर में, तो समझिएगा पहले आप। जैसे मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग किए हो। मान लो आपने लिखा सी ऑट वेलकम वेलकम, ये देखिए सेमी कॉलम दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि जब इस प्रोग्राम को आप रन करवाओ, एग्जीक्यूट करवाओ, रन बोल सकते हो आप या फिर एग्जीक्यूट बोल सकते हो, ठीक है। जब एग्जीक्यूट या रन करवाओगे इस प्रोग्राम को, तो ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा वेलकम, इस तरह से डिस्प्ले तो करेगा, लेकिन स्क्रीन पे आएगा सिर्फ झलक दिखलाएगा, तुरंत चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं स्क्रीन पे। आप मींस आया एक दो सेकंड के लिए आएगा, जैसे आपने कंट्रोल F9 दबाओगे, ठीक है, वैसे आएगा और तुरंत चला जाएगा। ये आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, आएगा और तुरंत चला जाएगा। तो बताओ ये आउटपुट जो आया, इसको हम लोग देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि हम लोग को आउटपुट सही आया गलत आया। तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा कि ये कुछ समय तक रिजल्ट रुका हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो सेम अगर आप इस रिजल्ट को रोकना चाहते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा क्या, गेट सी एच फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना होगा? गेट सी एच फंक्शन। अब आया यूज समझ में, गेट सी एच फंक्शन यूज किया जाता है आउटपुट को होल्ड करने के लिए। कहां पे? कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप आउटपुट को रोकना चाहते हो तो किसका यूज करोगे? गेट सी एच का। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि दिस फंक्शन इज यूज टू होल्ड, होल्ड मीन्स हुआ रोकना, ठीक है, होल्ड द आउटपुट ऑन कंसोल। कहां पे रोकता है? कंसोल पे। कंसोल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन आप बोल सकते, समझ गया। कहां पे आउटपुट को रोकता है? कंप्यूटर स्क्रीन पे। गेट सी एच का यूज आया समझ में, क्यों यूज करते हैं कि जो भी आउटपुट है अगर आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे रोकना चाहते हो, ठीक है, तो गेट सी एच का यूज करो तो रुका हुआ रहेगा। अब बोलोगे सर अगर ये प्रोग्राम में छूट गया, हम लोग नहीं यूज कर पाए, तो क्या प्रोग्राम गलत है? नहीं, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, रन भी करेगा काम भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि आउटपुट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रुकेगा नहीं, बिना गेट सीएच के भी आप प्रोग्राम रन करवा सकते हो। आपको सारा बताएंगे प्रैक्टिकल में कि एक बार यूज करके दिखाएंगे, एक बार नहीं यूज करेंगे तो क्या क्या होता है प्रॉब्लम, तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका यूज क्या है। तो अभी सिंपल समझिए आप कि गेट सीएच यूज किया जाता है आउटपुट को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे रोकने के लिए, क्लियर है गेट सीएच। एक और हम लोग फंक्शन यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR फंक्शन, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। देखो CLR का मतलब क्या हो गया? क्लियर, इसका नाम यही से मिला है। SCR का मतलब क्या हो गया? स्क्रीन, मतलब ये कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करेगा? क्लियर करेगा। क्या करेगा? क्लियर करेगा। फॉर एग्जांपल आपने पहला प्रोग्राम लिखा सीऑट वेलकम, तो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है, क्या हुआ है। और एक आप नया प्रोग्राम लिखे, न्यू प्रोग्राम आपने डिजाइन किया सीऑट हेलो, हेलो आपने ये लिखा सीऑट हेलो आपने ये लिखा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप क्लियर स्क्रीन का यूज नहीं करोगे प्रोग्राम में, तो आपका प्रोग्राम काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जो पहले वाला आउटपुट आया है वो भी रहेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, और नया वाला आउटपुट भी आ जाएगा।
कंप्यूटर स्क्रीन। समझ में आ रहा है, मतलब पुराना वाला भी आउटपुट आ जाएगा और नया वाला भी आ जाएगा। आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूजन क्या होगा आपके साथ, आप देखोगे हमने तो सिर्फ हेलो लिखा तो ये वेलकम कहां से आ गया। समझ रहे हो, ठीक है। मान फॉर एग्जांपल आप इसको लिखो तो आप समझ जाओ चलो दोनों प्रोग्राम हमें लिखे थे तो दोनों डिस्प्ले किए। लेकिन मान लो कि ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग क्या प्रैक्टिकल क्या सिस्टम में कॉलेज में या कहीं पे भी एक ही स्टूडेंट तो नहीं रहता, बहुत सारा स्टूडेंट रहते हैं। तो मान लो एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल करके गया, वेलकम डिस्प्ले करवा के चला गया कंप्यूटर स्क्रीन पे, दूसरा स्टूडेंट आया उसने लिखा सिर्फ हेलो, उसको नहीं पता कि ये क्या प्रोग्रामिंग किया है, ठीक है। हेलो इसको ये तो यही चाहेगा ना रिजल्ट को कि हम हेलो लिखे तो सिर्फ हेलो डिस्प्ले करें, लेकिन ऐसा तो नहीं करेगा। क्या करेगा, वेलकम भी डिस्प्ले करें, ये कंफ्यूज करेगा कि ये वेलकम कहाँ से है। तो सेम उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि जो भी आपका आउटपुट पुराना वाला है उस आउटपुट को हटा देता है और नया आउटपुट ले आता है। मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, फ्रेश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन का, ठीक है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, this function is used to clear the screen। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग clear फंक्शन यूज करते हैं। आया समझ में, ठीक है। अब जब भी आप ये दोनों को प्रोग्राम में यूज करोगे तो एक ये अलग फाइल के अंदर अवेलेबल है, जब तक उस फाइल को आप ओपन नहीं करोगे तब तक ये दोनों काम नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा। मीन्स ये आउटपुट को होल्ड नहीं करेगा या स्क्रीन को क्लियर नहीं करेगा। देखिएगा, इसका एक C++ में फाइल बना हुआ है जिसका नाम है conio.h। ये फाइल बना हुआ है, जिससे बना हुआ रहता है। इस फाइल के अंदर में दो फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है getch फंक्शन और clear फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा इस फाइल को। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब मोबाइल फोन चलाते हैं तो मान लो एक इमेज नाम का फाइल है तो उस फाइल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। लेकिन C++ के केस में इसको क्लिक करके ओपन नहीं करना है, प्रोग्राम में सिर्फ आप conio.h लिख दोगे, ये फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और जो जो इसके अंदर फंक्शन अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसको जब आप लिखा हुआ रहेगा आपके फाइल में, आपके प्रोग्राम में, तो ये दोनों काम करेगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा क्योंकि आपने इसका हेडर फाइल ओपन नहीं किया, ठीक है। तो आप अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट सी एच फंक्शन का हेडर फाइल क्या होता है, तो conio.h होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, ठीक है, नोट में लिख लोगे आप कि कौन कौन सा फंक्शन, clear ACR function and getch function, getch साथ में लिखना, clear screen साथ में लिखना, space नहीं देना, ठीक है। getch functions are defined inside the conio.h हेडर फाइल। किसके अंदर होता है, conio.h हेडर फाइल के अंदर होता है अवेलेबल। आया समझ में, ये दोनों पॉइंट आया समझ में। ये आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन का हेडर फाइल क्या होता है, conio.h होता है, सिंपल लिखा हुआ। अब आप समझोगे एक टॉपिक है, नाम है हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल के बारे में आप समझिएगा। हेडर फाइल क्या करता है, ये एक C++ का प्रोग्राम फाइल होता है, नॉर्मल जैसे हम लोग फाइल यूज करते हैं। जैसे मान लो एक इमेज नाम का फाइल है तो ये तो कंप्यूटर फाइल होगी, ये भी फाइल होगी, ठीक है। उसी तरह से हेडर फाइल एक फाइल होता है जिसका पहचान होता है .h, .h,
कोई भी वर्ड लिख दो आप, ठीक है। जैसे आपने लिखा मैथ डॉट एज, अगर डॉट एज लगा हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि ये एक हेडर फाइल है, इसके अंदर फंक्शन बहुत सारे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, पहचान क्या होता है, डॉट एज क्या होता है, डॉट एज। तो सिंपल लिखिए कि हेडर फाइल एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच होता है। क्या होता है, डॉट एच। अब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं प्रोग्राम में हेडर फाइल को, तो मेन यूज क्या है, देखो आपने जैसे क्लियर स्क्रीन यूज किया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये तो इसके काम को इन्वॉल्व करेगा प्रोग्राम में हेडर फाइल। जैसे आपने पोनियो डॉट एच जब तक यूज नहीं करोगे तब तक ये काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा। तो बताओ इसके डेफिनेशन को प्रोग्राम में इंक्लूड कौन कर रहा है, हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा है, ला कौन रहा है, हेडर फाइल ला रहा है। तो हेडर फाइल का मेन काम क्या है कि जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं, जो फंक्शन पहले से बना हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है, जो फंक्शन C++ को जो डेवलप किए थे, जो बनाए थे, उनके द्वारा बनाया गया जो फंक्शन है उसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CLRSCR फंक्शन, हम लोग इसको बनाए नहीं, ये पहले से बना हुआ, इसको सिर्फ हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में। गेट सी एच फंक्शन, ठीक है, ये भी पहले से बना हुआ। तो जो फंक्शन पहले से बना हुआ है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, प्री डिफाइंड किसको कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन सी प्लस प्लस डेवलपर के द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? अब आप समझोगे कि हेडर फाइल का काम क्या है, सिंपल लैंग्वेज इसका लिखेंगे कि हेडर फाइल एक C++ प्रोग्राम फाइल होता है जिसका पहचान क्या होता है, डॉट एच होता है। क्या होता है, डॉट एच, ठीक है। हेडर फाइल यूज किया जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन के डेफिनेशन को इंक्लूड करने के लिए, किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, दिस फंक्शन इज यूज टू इंक्लूड द डेफिनेशंस ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस के डेफिनेशन को इंक्लूड करने के लिए किसका यूज करते हैं, हेडर फाइल का यूज करते हैं। तो आप देखोगे इसमें हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है, हेडर फाइल, हेडर फाइल, ठीक है, नॉर्मली आप लिख सकते हो हेडर फाइल एज एज सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल। कौन सा फाइल होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल होता है, जिसके साथ में विथ क्या होता है, डॉट एच, डॉट एच। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऑप्शन में डॉट एच दिया हुआ है, इसको माइंड में रखिए, ठीक है। विथ डॉट एच एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच एक्सटेंशन होता है, इसका पहचान होता है, क्लियर है। अब हम लोग हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन के डेफिनेशन को इन्वॉल्व करने के लिए, किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो लिखेंगे दिस फाइल इज यूज्ड टू इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस के डेफिनेशन को इंक्लूड करने के लिए, किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, लिख सकते हो इन द प्रोग्राम, किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, प्रोग्राम के अंदर, इन द प्रोग्राम। क्लियर है कॉन्सेप्ट, हेडर फाइल आया समझ में। अब हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे कैसे, इसका एग्जांपल क्या होगा लिखने का तरीका, तो आप देखोगे एग्जांपल हेडर फाइल लिखने का तरीका, देखोगे किस तरह से लिखे हैं। देखो आपको इस तरह से लिखना है, इसको हैज नहीं बोलेंगे सी प्लस प्लस में, हैज बोलेंगे, हैज इंक्लूड, सारा स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, हैज इंक्लूड
लेस है, आयु, स्ट्रीम, सारा स्मॉल लेटर होना चाहिए, डॉट एच और ग्रेटर है। एक भी कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और पूरा मार्क्स कट सकता है। तो हैज इंक्लूड स्मॉल लेटर में, लेस देन, आयो, स्ट्रीम, डॉट एच, ग्रेटर देन, ये क्लोज हो। अगला आप लिखना चाहते हो सेम मीनिंग एलिजिबल, हैज इंक्लूड कोनियो, डॉट एच और ग्रेटर देन से क्लोज करें, ठीक है। सेम हैज इंक्लूड मैथ, डॉट एच, ठीक है। और भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैज इंक्लूड स्ट्रीम, डॉट एच, हैज इंक्लूड आयो, मेनी, डॉट एच एटसेट्रा। इस तरह से हम लोग बहुत सारा डिजाइनिंग कर सकते हैं। हेडर फाइल बहुत सारा आपको बताएंगे आगे, हेडर फाइल के बारे में पढ़ना है, किसका क्या यूज है ये भी आप लोगों को बताया जाए, ठीक है। तो आप इसको सिंपली समझिएगा कि हेडर फाइल इस तरह से लिखा जाता है। एक बार पूछा था 2013 के एग्जाम में पूछा गया था कि 5 हेडर फाइल का नाम लिखिए, 2 मार्क्स में राइट 5 हेडर फाइल्स, सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो ये 5 हेडर फाइल है, हेडर फाइल आपको 10 12 15 20 भी बता सकते हैं, बहुत होता है, लेकिन मिनिमम जो पढ़ना है आपको 12th क्लास में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 हेडर फाइल यूज होता है। तो उसमें तो 5 पूछा, तो 5 में से आप किसी को भी नाम लिख सकते थे, ठीक है। तो वहां पे आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सर हमने तो आयो स्ट्रीम डॉट एच देख लिया कि इसमें सी और सीन होता है, कोनियो डॉट एच देख लिया इसमें तो गेट सी एच फंक्शन और क्लियर स्क्रीन होता है, तो मैथ डॉट एच हम क्यों पढ़े, आगे आपको सब बताएंगे। जैसे cos 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, cos 90 का वैल्यू चाहिए, तो वो सब केस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग मैथ डॉट एच का यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रीम जो है आपको जैसे किसी का नाम जोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, ठीक है, और हम है यादव, तो मान लो सुरेंद्र कुमार लिखे, यादव छूट गया, उसको ऐड करना है एक साथ में, तो क्या करेंगे, स्ट्रीम डॉट एच का यूज करेंगे। तो इस तरह से सबका यूज वन बाय वन बताया जाएगा जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हेडर फाइल लिखने का तरीका बताए और उसका एग्जाम्पल दें। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैज इंक्लूड क्या होता है, तो हैज इंक्लूड जो होता है, हैज इंक्लूड इस ये होता है लैंग्वेज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है, कंप्यूटर सिर्फ हैश इंक्लूड को समझता है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच को समझता है, ठीक है, और आयो स्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच को समझता है, तो इस तरह से लिंकिंग में रन करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्या कहा जाता है हैश इंक्लूड को, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट इज नोन एज प्री प्रोसेसर, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसमें आपको 3 पॉइंट बताए, गेट सी एच फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन और हेडर फाइल, ठीक है, थैंक यू। 1 minute.